ये सिंगल लाइन है, और यहाँ पे सिर्फ दो टाइम ही ट्रेन चलती है, सिर्फ और सिर्फ दो टाइम, एक सुबह चलती है और एक शाम चलती है। ये देखो इधर ईस्ट है और इधर के साइड वेस्ट है, और इधर साउथ है और फिर इधर नॉर्थ है। तो अपन लोग इधर नॉर्थ की ओर जाते हैं ना, तो ये देखो यहाँ पे मतलब यहाँ से ऐसे आओगे ना, उसके बाद यहाँ का जो सिचुएशन है ना, ये देखो कितना ही बाइक जाने में कितना प्रॉब्लम होगा। ऊपर का टीला देख रहे हो, ये भी मानो ना तो भाई 20 साल लग चुकी है इसको तैयार होने में। और सो जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस, आज अपन लोग रेलवे स्टेशन जाने वाले हैं। आज हम लोग फर्स्ट टाइम, जो कि आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, जो भी बिहार से होंगे ना, तकरीबन बहुत 80% लोग ना नहीं जानते होंगे कि वहाँ पर रेलवे स्टेशन है, हॉल्ट है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ से ट्रेन क्रॉस करती है फिर नहीं करती है। तो भाई मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ 80-90% लोग नहीं जानते होंगे। तो आज अपन लोग वहीं पर लेके जाने वाले और फिर वहाँ का आप लोग को वीडियो दिखाने वाले हैं, कैसा स्टेशन है या फिर वो स्टेशन है या हॉल्ट है, उस कहाँ से ट्रेन आती है, कहाँ पर जाती है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहना, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइज, क्योंकि एक शेयर आपका मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन का काम करती है। सो प्लीज़ एक शेयर जरूर करना आप लोग अपनी दोस्तों में, और कोशिश करना वो दोस्त एक शेयर और कर दे, ताकि उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और ऐसी ऐसी वीडियो आप लोग के लिए और लाते रहें। सो चलिए अभी फिलहाल अपन लोग नाश्ता करते हैं और फिर डायरेक्ट से निकलते हैं गाइज। फाइनली भाई अभी अपन लोग निकल चुके हैं और फिर अपना गांव का कुछ व्यू आपको दिखाते हैं। तो भाई ये देखो भाई, मतलब अभी तक नहीं बनाया यार, एक बार थोड़ा सा बना दिया था और फिर से वैसा ही कर दिया। देखो मिट्टी का कितना बड़ा टीला बना दिया। और ये बाइक इधर से आएगी ना, बताओ, उधर से आएगी सारा बाइक अभी, बट फिर भी हम लोग इधर से ही आएंगे, क्योंकि हम लोग भी जबरदस्ती भाई जबरदस्त का ही चढ़ाएंगे हम लोग। उधर से जब बारिश आती है ना तो काफ़ी ज़्यादा किच किच हो जाता है भाई, कीचड़ बन जाता है। और ये पुल बना दिया है बट इसका वही सिचुएशन, आ जा ना, आ जाएगा, आ जा, थोड़ा सा कचरा रोड है बट फिर भी हम भी तो वही है ना भाई, हम छोड़ने वालों में से थोड़ी है भाई। अपना स्प्लेंडर बाइक को भाई सुपर बाइक बना देंगे भाई, सुपर नहीं हिमालय बाइक बना देंगे, तब भी लाएंगे ये भाई हम। देखो यहाँ पे मतलब यहाँ से ऐसे आओगे ना, उसके बाद यहाँ का जो सिचुएशन है ना, ये देखो कितना ही बाइक जाने में कितना प्रॉब्लम होगा। ऊपर का टीला देख रहे हो, ये यहाँ से ऊपर आ जा रहा है फिर नीचे अचानक से आ गया, फिर देखो ऊपर, तो बाइक कैसे जाएगा भाई मेरे को बताओ यार। मतलब ऐसा करके छोड़ चुका है, इतना अच्छा रास्ता को बेकार बना दिया यार, क्या ही बोल सकते भाई। ये अपना स्प्लेंडर को देखो, मतलब ये हिमालय वाली बाइक बन चुकी है अब, क्योंकि हम तो इसे भाई कहीं भी लेके चले जाते हैं। और ये फाइनली आ चुकी है और अभी मैं बैठता हूँ और फिर आगे की ओर प्रस्थान करता हूँ गाइज। प्रस्थान बोले तो हाँ सही बोल रहे हैं ना अपन लोग, हाँ वही 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 होता है। सो गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं नूर सराय रेलवे स्टेशन, बोले तो स्टेशन नहीं बट हाँ स्टेशन बोल सकते हो, लेकिन हॉल्ट स्टेशन कम हॉल्ट ज़्यादा। सो अभी हम लोग आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं, यहाँ से अपने लोग अपन लोग पहले क्या बोलते हैं भाई, कौन सा मोड़ है ये आगे वाला, अरे वो वाली जो मेन नूरसराय वाला पहले मोड़ आता है, अरे नहीं यार तो मेरे को नाम उतना नहीं पता, बट वहाँ पे अपन लोग पहले पहुँचेंगे फिर उधर से नूरसराय के एकदम सामने चले जाएंगे गाइस, क्योंकि वहाँ से मार्केट आएगी, मार्केट के बाद एक पुल आती है, पुल के नीचे से स्टेशन है गाइस। तो मैं आप लोग को स्टेशन करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कैसा स्टेशन है, क्या स्टेशन है, आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में गाइस। तो बने रहना वीडियो में, वीडियो छोड़े कहीं बन जाना, अभी मैं और फिर अभिषेक जा रहा हूँ सिर्फ, और हम ही दोनों रहेंगे, कोई और एक्स्ट्रा बंदा नहीं आएगा। हम लोग अंजना मोड़ से आगे निकल गए और अभी देखो अभी आगे जा रहा है, आगे ब्लॉक है और फिर उसके आगे पुलिस स्टेशन है, लाइक ब्लॉक के पास में पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर चेकिंग भी होती है बट अभी फिलहाल नहीं होगी, मेरे को नहीं लग रहा कि चेकिंग होगा, बट फिर भी हम लोग यार सेफ्टी लेके चल रहे हैं, हेलमेट पहन के चल रहे हैं, अपने पास सारा कुछ ओके है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो अभी फटाफट से चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, फिर मार्केट आएगी, उसके बाद वो पुल मिलेगी पेट्रोल पंप से पहले, और देखो मैंने बोला था ना, और पहले ही आ गई पुल सामने में ही, तो अभी चलते हैं मस्त वाला अपन लोग। तो भाई ये देखो ये नूरसराय बाजार है भाई, इतना जाम इधर रहता है, देख रहे हो सर, बहुत ही भयानक वाला जाम होता है, क्योंकि इधर से एक थरथरी का रूट भी जाता है ना, तो उसके कारण जाम बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला हो जाता है। बट अभी तो आगे देखो पूरा खुला हुआ, बट ये भैंस के कारण यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फंसे हुए हैं, और उधर के साइड देखो दो तरफ जाम है, देखो
तो अभी हम लोग इसके आगे जाएंगे, एक पेट्रोल पंप आएगी, उसके बाद अपना स्टेशन आएगी गाइस। फाइनली भाई अभी आगे पेट्रोल पंप है और सामने का पुल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा तो मैं जूम करता हूँ गाइस। ये देखो ये वाली ब्रिज दिख रहे हो भाई, ये वाली ब्रिज ना तकरीबन नहीं भी मानो ना तो भाई 20 साल लग चुकी है इसको तैयार होने में। और फिर ये देखो ये पेट्रोल पंप, तो इसका आपको वीडियो चाहिए होंगे तो प्लीज कमेंट करके बताना, आप लोग के लिए इसका वीडियो लाएंगे। बट फिलहाल हम लोग को अभी इधर से जाना पड़ेगा नीचे वाली रूट से, क्योंकि इधर है रेलवे स्टेशन। तो अभी अपन लोग आगे जाते हैं और फिर एक फाटक है, फाटक से राइट लेके अंदर जाएंगे जी रेलवे स्टेशन की तरफ। ये देखो पुल के नीचे ये ब्रिज है, इसके नीचे से इधर के साथ जा रही है और अपन लोग इधर से जाएंगे, क्योंकि रास्ता पीछे के साइड से ही था लेकिन अपन लोग आगे आ गए हैं। उतना नॉलेज नहीं था अपने को किधर से जाना है, बट इधर से ही अपन लोग जाते हैं और देखते इधर से रास्ता है या फिर नहीं। बट हाँ देखो प्लेटफॉर्म पे चढ़ जा रही है डायरेक्ट से बाइक, तो अभी इधर से ही जाते हैं। फिर आगे की साइड से अपन लोग निकलने का कोशिश करेंगे बट नहीं निकल पाएंगे, तो अपन लोग इधर से ही आएंगे। ये देखो गाइस स्टेशन, मतलब एक ही सिंगल लाइन पटरी है इधर भाई। ये देखो नूरसराय हॉल्ट, सो यही है नूरसराय हॉल्ट गाइस, स्टेशन नहीं है, मेरे को लग रहा था स्टेशन है बट यहाँ मैंने सिंगल लाइन देखा ना उसी टाइम से पकड़ लिया अपन लोग हॉल्ट है। और फिर ये हॉल्ट ही है, बहुत ही बिरान जगह है गाइस, मतलब बहुत ही बिरान लग रहा है, सुनसान, मतलब कुछ लोग ऐसे ही बस स्कूल सब जाते हैं ना वही लोग, कुछ लोग है प्लस ये बिरान लग रहा है। देखो एरिया चारों तरफ भाई सरसों बरसों सारा कुछ यहीं पे रखा हुआ है पूरा, देखो कैसा स्टेशन है भाई, मतलब सारा कुछ बिरान, कुछ भी नहीं है, ये सिंगल लाइन पटरी बस ये इसी पे चलती है और वो तो ऐसे ही है रखा हुआ ही है। और ये देखो मतलब वहां से बाइक का क्रॉसिंग दे दिया, सोचो ना नूरसराय हॉल्ट, ये ऊपर का ब्रिज है, ऊपर वाला ब्रिज है और फिर उधर के साइड से उतरने वाला, और उधर से देखो बाइक भी क्रॉस करके और आराम से हॉल्ट से ही बाहर निकाल दे रहा है डायरेक्ट से। तो इसमें कोई स्टेशन वेस्टेशन है नहीं, हम लोग भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे, डायरेक्ट से पटरी पे ही बाइक लेके जा रहे हैं भाई। देख लो गाइस देख रहे हो ना, यही कुछ स्टेशन है, स्टेशन नहीं ये हॉल्ट है। और फिर ये हॉल्ट मतलब इतना बिरान लग रहा है ना कि आप लोग देख नहीं सकते, कोई भी यहाँ पे रह रहा है दिन रात सारा कुछ यहीं पे बिता रहा है। और ये सिंगल लाइन है गाइस, मैं बता दूं ये सिंगल लाइन है और यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम ही ट्रेन चलती है, सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम, एक सुबह चलती है और एक शाम चलती है। सुबह मान लो तो सुबह 6 से 10 के बीच में भी 8 बजे एक ट्रेन चलती है जो कि फतुहा की ओर जाती है, और एक शाम में फतुहा से बिहार शरीफ की ओर जाती है ट्रेन। तो बस मेरे को यही कुछ नॉलेज है और इसके अलावा ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं, बाकी का मैं आपको स्टेशन अच्छा से दिखा देता हूँ आज कैसा स्टेशन है। ये देखो इधर ईस्ट है और इधर के साइड वेस्ट है, और इधर साउथ है और फिर इधर नॉर्थ है। तो अपन लोग इधर नॉर्थ की ओर जाते हैं ना, तो ये देखो सामने के साइड नूरसराय का ये जो ब्रिज मैंने बोला था ना 20 साल से ऊपर लग चुका है इसको बनने में, उधर के साइड से फतुहा का रूट में जाती है जो कि सुबह एक ट्रेन चलती है 6 से 10 के बीच में अप्रोक्स। और ये इधर के साइड देखो दक्षिण के साइड मतलब इधर पड़ती है बिहार शरीफ स्टेशन जो कि शाम में चलती है, और बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी ऐसे ही बिरान है गाइस। नूरसराय हॉल्ट आप लोग देख सकते हो, बस ये ऊपर देख लो ये नूरसराय हॉल्ट है ना, बाकी सारे लोग यहाँ पे आते हैं और ऐसे ही मतलब घर बसा के रखे हुए, उधर देखो वो लोग एकदम मतलब जो बोलते ना वही हैं सारे लोग यार, तो वही रह रहे हैं। और फिर स्टेशन कुछ ऐसा बिरान है, बस 2 ही टाइम ट्रेन चलती है, बाकी के टाइम ऐसे ही रहती है, इसी कारण से देखो कपड़ा ये सब सारा कुछ सुखा रखे सारे लोग यहाँ पे। और फिर ये पावर ग्रिड है, देख सकते हो पावर ग्रिड। सो बस यही कुछ है स्टेशन में, ज़्यादा कुछ रखा हुआ नहीं है, ये हॉल्ट ही है। तो बस स्टेशन नहीं गाइस ये हॉल्ट, बस यही कुछ है इस हॉल्ट में और कुछ भी नहीं रखा है, बस 2 ही टाइम तो ट्रेन चलती है ना, तो ऐसा काफ़ी सही है। बट इसको भी मे बी इन फ्यूचर इसको स्टेशन बनाया जा सकता है क्योंकि इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है गाइस, तो इसको भी स्टेशन 4-5 लाइन तो बीत सकती है गाइस, 3 से 4 लाइन बीत सकती है, आराम से बीत जाएगी। तो ये भी मे बी इन फ्यूचर 10 साल या फिर 5 साल बाद बन जाए तो काफ़ी अच्छा होगा मेरे लिए, हम लोगों के लिए, सारे लोग के लिए अच्छा होगा। सोच रहेगा आज यहाँ पे वीडियो को एंड करे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइज। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो कौन सी वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट करके बताना, अगर आप लोग को कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना गाइज। बट अपन लोग नेक्स्ट वीडियो सोच रहे हैं एक कंगरसराय का रेलवे स्टेशन के बारे में, तो आप लोग ये भी कमेंट करके बताना आप लोग को एकंगरसराय का वीडियो चाहिए फिर नहीं चाहिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम गाइज, बाय बाय।